हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ डिफरेंट स्टाइल की सब्जी की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे हम बनाएंगे पपीते से। और ये पपीता थोड़ा अधपका सा है, जो कि ना तो पूरी तरह से पका हुआ है ना ही पूरी तरह से कच्चा है। तो ऐसे पपीते की हम सब्जी बनाएंगे। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। और वीडियो शुरू करने से पहले आई होप सो कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। और वीडियो अगर जरा भी पसंद आती है तो एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। तो चलो फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पपीते की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पपीता ले लिया है, और आप देख सकते हैं कि ये ऊपर साइड से थोड़ा सा पक सा गया है और अंदर से कच्चा है, बट ये बहुत ज़्यादा पका हुआ पपीता नहीं है। तो हम इन्हें सबसे पहले अच्छी तरह से छीलकर रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने इसे छीलकर अच्छी तरह से रेडी कर लिया है, और अब हम इन्हें टुकड़ों में काट कर रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले आपको देखने में ये पपीता पका लग रहा होगा, बट ये बिल्कुल अच्छी तरह से पका नहीं है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ये ऐसे भी कच्चा खाने में अच्छा लगेगा, टेस्टी लगता है। तो अब हम इसके बीज वाले पोर्शन को अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। तो एक चाकू की हेल्प से या स्पून की हेल्प से हम इसे क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद इसे धोकर रेडी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ सबको अच्छी तरह से साफ पानी से धोकर रेडी कर लिया है, और अब हम इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर रेडी कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने इसे काट कर रेडी कर लिया। ना बहुत ज़्यादा मोटा काटना है, ना बहुत ज़्यादा पतला काटना है। तो अब सब्जी तुम्हारी कट के रेडी हो गई है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो गैस ऑन करके मैंने एक कढ़ाई ले लिया, और इसमें डाल दिया है सरसों का तेल। और सरसों के तेल को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। जैसे ही हमारा तेल गर्म हो जाएगा, हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा राई। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सूखी मिर्च। तो यहाँ मैंने दो सूखी मिर्च को तोड़कर डाला है। थोड़ा सा मेथी दाना ऐड करेंगे इसमें। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हींग। इन सबको एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और जैसे ही हमारा राई अच्छी तरह से चटक जाएगा, हम इसमें डालेंगे पीसा हुआ मसाला। तो यहाँ मैंने लिया था थोड़ा सा राई और 4-5 लहसुन की कलियाँ, और उन्हें पीस कर इसका पेस्ट रेडी कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसे ऐड कर देंगे। हम इन्हें एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट हम इसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे बाकी के मसाले। तो यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ सबसे पहले 1/2 चम्मच के करीब धनिया पाउडर। इसके साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा, उससे भी कम, जीरा पाउडर। इसके साथ ही डाल देंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। अब इन सबको एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके मसाले को अच्छी तरह से भून कर रेडी कर लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। और अब मसाले को हम लगातार चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले अच्छी तरह से तेल ना छोड़ दें। और गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है, मीडियम फ्लेम पर है। मसाले को अच्छी तरह से भूनकर रेडी कर लेंगे। इसके अलावा इसमें कोई और मसाले डालने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही कम मसालों के साथ हम ये सब्जी बनाकर रेडी करेंगे। और आप यहां देख सकते हैं कि मसाला हमारा अच्छी तरह से भूनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए पपीते। और पपीता डालने के बाद हम इसे एक अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मसालों के साथ अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। तो यहाँ मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और नमक डालने के बाद अगेन हम इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मसालों के साथ ही ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर ही इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर में हम चेक कर लेंगे, और अगेन एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें ज़रा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करना है। और पानी डालकर हम इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, और मिक्स करके ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर के बाद हम इसे चेक कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारा पपीता अच्छी तरह से गल चुका है। आप देख सकते हैं आसानी से टूट रहा है। अब हम कलची की ही हेल्प से हम इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। लगातार चलाते हुए हम इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। और यहाँ हमारा सब्जी बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अभी हम इसे थोड़ा सा और सुखा लेंगे अच्छी तरह से, जो भी इसका एक्स्ट्रा पानी होगा ये अच्छी तरह से सुखा लेंगे हम। तो एट लास्ट अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा फ्लेवर के लिए हरा धनिया पत्ता। और धनिया पत्ता डालने के बाद हम इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और फटाफट से
गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे सर्व कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि पपीता का सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसे चावल के साथ खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट्स करके बताना कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।